हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज टुडेस टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटिंक्शन या फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सटिंक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारी स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो कारण है, जो कॉज है, ठीक है, जो फैक्टर, वो है हंटिंग। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री में, यहाँ पर या फॉरेन में, जिसको हंटिंग का बहुत शौक है। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए, जॉय के लिए वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं बहुत सारे एनिमल्स का, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है वो खत्म हो रही हैं। तो इसमें आप ये अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है जी। तो जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, बहुत सारा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको किल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर उसका ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, डेड कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। क्योंकि हमें एनिमल्स से या प्लांट से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे एनिमल से हमें फर मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है जी। या प्लांट से हमें क्या मिलता है, मेडिसिनल यूज़ में यूज़ होता है। जब बहुत सारे लोग उस वुड को जलाते हैं, ठीक है, फायर के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इसको यूज़ करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आप लिख सकते हो कि तरह तरह की चीज़ें जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स में स्किन हो, फर हो, लेदर हो, ठीक है जी, फैदर्स हो, ठीक है, मीट वगैरह मिलता है। तो प्लांट्स के लिए ड्रग्स वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट से ड्रग्स बनाती हैं, ठीक है जी। परफ्यूम्स वगैरह बनती है, कॉस्मेटिक का सामान बनता है, डेकोरेशन का सामान बनता है। तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से लोग हंटिंग करते हैं, ठीक है जी। तो देखो, इसके वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज वो कम हो रही हैं। ह्यूमन किलिंग इज रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, डोडो बर्ड, ये डोडो बर्ड बहुत ही यूनिक बर्ड है, ठीक है, वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है जी। तो एलिफेंट्स एंड राइनोसोरोस आर आल्सो कॉज्ड टू क्लोज टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी हंटिंग करते हैं, उसका बहुत शौक है, तो वो बोल रहे हैं कि एलिफेंट हो गए, राइनोसोरोस हो गए, ये भी खतरे में है, इसका ख़त्म होने का डर है। तो बच्चे, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है जी। तो उसके बाद है फॉरेस्ट फायर, जंगलों को आग लगना, फॉरेस्ट को आग लगना। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो है बाय मिस्टेक, या ह्यूमन की एक्टिविटी, या इंसान खुद लगाता है जंगलों को आग, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन, जो फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसान क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, एडवांटेजेस के लिए, बेनिफिट के लिए, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए, हाउसेस को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, प्लांट्स को कट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बीच में डेवलपमेंटल वर्क, डेवलपमेंटल वर्क ही अपने काम को के लिए है ना, जैसे डैम बनाने के लिए, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह, घर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना काम चलाने के लिए बहुत सारे वो बोल सकते हैं, अपनी आप वर्डिंग में लिख सकते हो कि जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो उसके बाद डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन में भी आप लिख सकते हो कि पेड़ पौधों को काटना। उसके बहुत सारे रीजंस हैं पेड़ पौधों को काटना, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं वो लिख सकते हो। मेडिसिनल में यूज़ होता है, वहाँ से हम वुड मिलती है, उस वुड से हम फर्नीचर का सामान बना सकते हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत जगह पर ये यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, मीन्स पेड़ पौधों को काटना। तो उसके बाद है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की वजह से भी हमारी जो स्पीशीज़ है, जो उसकी लाइफ है, वो ख़त्म हो रही है। तो लिखा है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन has degraded many important habitats, बहुत सारी ऐसी जगह को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो डिक्रीज हो गई, ख़त्म हो रही है। तो क्लीनलेस क्या है, तो स्ट्रेंजली इनफ क्लीनलेस डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ स्क्विंजर्स सच एज वल्चर्स, काइट्स, क्रोस, स्क्विंजर, रेलिश ऑन द। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान, बहुत सारे बर्ड्स को नुकसान हो रहा है, अपनी जो भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए, अपने रीजंस के लिए, अपने फायदे के लिए, जो भी इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, हैबिटेट को, मीन जगह वगैरह हो गया, प्लेस वगैरह हो गया, उसको ख़राब करना, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे बहुत सारे रीजंस हैं, तो आप लिख सकते हो इसको, ठीक है जी। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।